जनता का एक और रिपोर्ट कार्ड सामने आया है। भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट से भगवान दास सबनानी रिपोर्ट कार्ड में पास हो गए। पीसी शर्मा फेल हो गए हैं। पीसी शर्मा प्रेजेंट के विधायक थे, कांग्रेस प्रत्याशी थे और जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो मंत्री भी थे, लेकिन अपनी पैठ जनता के बीच में बनाने में वो फेल हो गए। जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में पीसी शर्मा को फेल कर दिया है और बीजेपी प्रत्याशी भगवान दास सबनानी पास हो गए हैं। अध्यक्ष के बेहद करीबी माने जाते हैं भगवान दास सबनानी और जब उनका टिकट पर चर्चा चल रही थी तो उनको टिकट मिलेगा या नहीं इस पे भी संशय था, लेकिन अब वो अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। भगवान दास सबनानी जनता के रिपोर्ट कार्ड में पास हो चुके हैं। अदीप, भगवान दास सबनानी ने लिख दी है भाजपा की जीत की कहानी। ये यूं तो कई झटके लगे हैं आज कांग्रेस पार्टी को, पर पीसी शर्मा की हार भी बहुत बड़ा झटका है पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए। पीसी शर्मा लगातार हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर भी बात कर रहे थे, खुद कंप्यूटर बाबा को प्रचार के लिए भी बुलाया था, पर ये सब किसी काम ना आया पीसी शर्मा का, क्योंकि भगवान दास सबनानी के प्रचार में भाजपा के कई बड़े नेता जिनमें बीडी शर्मा भी शामिल है वो खुद मैदान में उतर गए थे और उसी का नतीजा है कि भगवान दास सबनानी ने पीसी शर्मा को करारी शिकस्त दे दी है। जी हाँ, भगवान दास सबनानी ने 43,721 वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई है, वहीं पीसी शर्मा को 34,711 वोट ही मिल पाए हैं। भगवान दास सबनानी बीजेपी प्रत्याशी बेहद सहज सरल बहुत जाना माना चेहरा है और बीजेपी में उनकी अच्छी पैठ है, संघ में उनकी अच्छी पैठ है, जनता में भी इस बार उन्होंने अपनी पैठ बना ली है और जनता ने अपने रिपोर्ट कार्ड में भगवान दास सबनानी की जीत दर्ज करा दी है, उन्हें पास कर दिया है। आप हमारे साथ रिपोर्ट कार्ड में यूं ही बने रहिए, हम आपको सबसे तेज दिखाएंगे जनता का रिपोर्ट कार्ड। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।